दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस तरह नई मुंबई के आर्य समाजवासी के तत्वाधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, सुनील पाटिल प्रतिनिधि महाराष्ट्र प्रदेश, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं आर्य समाजवासी के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों लोगों ने आर्य समाज मंदिर में आकर योगा किया। महाराष्ट्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि सुनील पाटिल ने भी योगा किया और इस योगा दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। आर्य समाज मंदिर के प्रबंधक हरिपाल सिंह ने सुनील पाटिल का सत्कार किया और उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए शुभकामना दी। वहीं ओबीसी के प्रतिनिधि सुनील पाटिल ने भी इस योगा सेशन में साथ देकर चार चांद लगा दिए। उन्होंने बताया कि योगा करना स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यहाँ आकर वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये समाज वासी विभाग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उनके माध्यम से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जा रहा है। मैं भारत के लाडे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल सब उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे योग को महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया है और एक ओबीसी समाज का एक काम करने का मौका यहाँ पे मेरे को दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग के दिन के माध्यम से मैं यहाँ पे वासी आर्य समाज के हॉल में बहुत से बुजुर्गों यहाँ पे योगा मना रहे थे और उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने का है कि यहाँ पे योगों को कि योगा कितना महत्वपूर्ण है। योगा एक जीवन का एक हिस्सा है और जो जीवन को एक अच्छा बनाता है, आनंदमय बनाता है, सुदृढ़ बनाता है और वही आज जीवन में बहुत उपयुक्त है। इसके लिए सभी वासियों को, महाराष्ट्र सभी लोगों को, सभी नागरिकों को मैं कहूँगा कि योगा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योगा करें और अपना जीवन एक सुदृढ़ बनाए। यही आज के दिन पे मैं अंतर्राष्ट्रीय योग के दिन पे मैं सभी महाराष्ट्र वासियों को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद सर। आर्य समाज मंदिर से आज आपको यहाँ पे आशीर्वाद मिला है कि आप जो पिछले वर्षों के लिए महाराष्ट्र में भारत सरकार के प्रतिनिधि बनाए गए हैं, आपको आशीर्वाद मिला गया, तो आप आर्य समाज मंदिर के लोगों को क्या बोलना चाहिए? आज यहाँ पे आर्य समाज में बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बुजुर्ग है, उम्र से बहुत बड़े, फिर भी यहाँ पे बहुत जन आके योगा उसने ध्यान लिया है। हमारे आदरणीय हरिपाल सिंह जी, उन्होंने अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है और जीवन में योगा का महत्व क्या है वो पूरी तरह से उसने यहाँ पे सभी लोगों को, युवकों को यहाँ पे दिया गया है। मैं आर्य समाज यहाँ के मन को आने बुलाया गया या मौका दिया यहाँ पे योगा दिन करने का, मैं आर्य समाज के यहाँ पे सभी कमेटी को, ये हॉल की जो कमेटी है, जो संस्था है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी आप आर्य समाज और सब मिलके वासी में हो या महाराष्ट्र में हो, अच्छे धर्म से अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से सभी लोगों को योग दिन का एक महत्व आप उनको घर घर में पहुँचाने का आप काम करेंगे। और ओबीसी समाज जो मेरे को जो प्रतिनिधित्व दिया है, ओबीसी समाज जोड़ने का, उनके तरफ से काम करने का, मैं अपने दिल से मन से करूँगा और ओबीसी समाज यहाँ पे एक जोड़ भारत सरकार के माध्यम से जोड़ने का काम करूँगा। यही शुभकामना मैं अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से मैं देता हूँ। धन्यवाद। भी अपने जो आसपास के या जो भी हमारे नई मुंबई के जो सदस्यगण हैं, जो भी हमारे मतलब यहाँ पे नागरिक हैं, वो एक श्रेष्ठ नागरिक बने और श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए योगा ही एक ऐसी चाबी है, ऐसी कुंजी है जो आपको एक अच्छा नागरिक बना सकती है। आप हमेशा अच्छे रह सकते हो, सुख में रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो, ये ही एक कुंजी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं तो यही आह्वान करूँगा सभी नागरिकों से कि वे अपनी शैली को, जीने के तरीके को योग में बनाए। धन्यवाद। मेरा नाम हरिपाल सिंह, मैं आर्य समाज वासी का मंत्री हूँ अभी, और यहाँ भी हम अपने जो कार्य करते हैं
क्योंकि ये महर्षि दयानंद का एक तरह से मैं मठ कह सकता हूँ, और सभी नागरिकों में वेद में जो वेद वाणी जो है उनको एक एक नागरिक तक हम ले जाने का हमारा भी संकल्प है, और हम इसीलिए बड़े बड़े कार्य यहाँ पे करते रहते हैं। और अति आनंद आता है जब किसी को राह भटकते हुए को, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को किसी अलग विचारधारा से एक प्रेरित कर लिया है, उनको हम थोड़ा सा योग में और वेद में बनाना चाहते हैं। सर, यहाँ पे सुनील पाटिल साहब जो प्रतिनिधि हैं महाराष्ट्र सरकार के, तीसरे वक्त भारत सरकार से, तो उनके बारे में यहाँ पे आ जाए, योगा दिन के काफ़ी कार्यक्रम छोड़ के और खास करके आर्य समाज मंदिर में आप उनको क्या शुभेच्छा और किस तरीके का कार्यक्रम? उनका मैं तो कहूँगा कि हृदय से अभिनंदन, उनके विचार भी मैंने अभी सुने। और ये जो पिछड़ा जो वर्ग है, देखिए महर्षि दयानंद ने, सरस्वती जी ने पिछड़ों के लिए ही कार्य किए, बेसिकली जो दलित थे, जो दबे कुचले थे, उनके लिए ही सबसे ज़्यादा कार्य उन्होंने किए हैं महर्षि दयानंद ने, और ये उन्हीं का ही मठ है। तो यहाँ से तो मैं यही आह्वान करूँगा कि ऐसे ऐसे सपूत महाराष्ट्र में गाँव गाँव में हो, और वे इस जो पिछड़ेपन को, लोगों के अंदर जो उतना समृद्धि नहीं है, इनके मार्गदर्शन से आगे बढ़े और अपनी समृद्धि को प्राप्त करें, अच्छे जीवन शैली को अपनाए सभी, यही मेरा मैं निवेदन करता हूँ। बड़ी खुशी हुई ये यहाँ पर आके और अब योगा सिखा के, और सोचा नहीं था कि ऐसे इतने महान व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। बड़ी खुशी हुई एकदम, दिल से उनका धन्यवाद जो यहाँ पर आए। इस तरह से लोगों में आह्वान करेंगे योगा को लेकर के जागरूकता? योगा देखो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है, अगर आपको निरोगी रहना है तो योगा करते रहिए, भले थोड़ा तो थोड़ा ही सही, लेकिन ज़िंदगी में एक रखिए कि योग करना है, प्राणायाम वगैरह करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, चिंता फ्री रहेंगे और आनंदित रहेंगे। खूप खुशी होत आहे आणि एवढ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसच्या अवसरवर श्री सुनील बालारामजी पाटील आणि हरिप्रसाद सारखे एवढे महान व्यक्ती आमच्यासोबत, आणि आम्हाला एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी मिळाली आहे ह्या दिवसाला म्हणजे मोठा करायचा। माझं एवढंच म्हणणं आहे की प्रत्येकाने रोज 10 मिनटं तरी, ॲटलीस्ट 10 मिनटं तरी योग करायचा। जर औषधापासून आपल्याला दूर राहायचं आहे तर 10 मिनटं तरी योग करायलाच पाहिजे। आणि ह्या सगळ्या मान्यवरांचे खूप खूप आभार, धन्यवाद। वैशाली देवळीकर, मी वाशी नवी मुंबईमध्ये राहते। सर्वप्रथम सुनील पाटील जी के धन्यवाद, जो एक रिप्रेजेंटेटिव है महाराष्ट्र स्टेट के, बैकवर्ड क्लास के, उन्होंने आज ये सम्मिलित किया सबको, और सभी चीज़ों के लिए वो हर एक कार्यक्रम में बहुत प्रोत्साहन करते हैं, हर चीज़ को प्रेरित करते हैं, और पिछड़े समाज के उन्हीं सबको भी प्रोत्साहन मिले। और रही बात इंटरनेशनल योगा दिवस की, तो सभी को बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ऐसे घर बैठ के योगा नहीं कहना है आपको, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो योग या कि ये सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं है, आपके सांस, श्वास और विचारों पर नियंत्रण करने के लिए है। ये एक जीने की कला है। जब आप इसे करेंगे और आप इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशन हो, कॉरपोरेट हो, हाउसवाइफ हो, हर चीज़ के लिए इसका आप पे प्रभाव पड़ेगा। पर तब प्रभाव पड़ेगा दोस्तों जब आप इसे करेंगे। आप अगर सिर्फ इसकी बधाई देंगे और व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और योगा पोजेस देने के लिए फ़ोटोज़ करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। हर चीज़ के लिए, केवल आप हर एक का व्यस्त जीवन है मैं जानती हूँ, पर केवल 15 मिनट के लिए आपका ये जो शरीर है, ये मंदिर है, अगर आप इसे स्वस्थ रखेंगे तो ही आपके धन का उपयोग कर सकेंगे। इसी दो शब्दों में मैं आज सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं, और सभी को कहती हूं कि खुद कीजिए और सभी लोगों को प्रभावित और प्रेरणा कीजिए। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, आज श्री सुनील पाटील सरांनी हे एक रिप्रेझेंटेटिव आहेत महाराष्ट्र स्टेटचे, त्यांनी हा योगा डे सम्मिलित केलेला आहे आणि त्यांच्या विद्यमानाने इथे योगा डे साजरा होत आहे। आणि आज इथे येऊन आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे आणि सर्वांनी आपल्या आयुष्यात योगा सामील केलेला योगा केला पाहिजे।
त्यामुळे आपल्याला आपल्या जीवन सुखकर होते आणि योगा केल्याने आपल्या जीवनातले जेही काही आपले डिसीजेस आहेत किंवा जे काही रोग आहेत ते नाहीसे होतात हळूहळू. आणि जर तो आपण आपल्या जीवनात जसं आपण जीवन जगतो त्याप्रमाणे रोज आपण त्याचा वापर केला किंवा ते आपल्या दैनंदिन जीवनात आणलं तर आपला दिवस सुखकर होतो आणि आपलं जीवन सुद्धा सुखकर होतं. धन्यवाद. कॅमेरामॅन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, नवी मुंबई.